सोलर एनर्जी सबसे पहले कि सोलर एनर्जी जो है जो बहुत ही इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली रिन्यूएबल है एनर्जी जो है, ठीक है। और सोलर एनर्जी पे हमें क्यों हम डिपेंड हो रहे हैं, क्यों डिपेंड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बहुत ही फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं फॉसिल अगले फ्यूल्स, ठीक है। महीने सो सोलर एनर्जी, डेडलाइन है ऑनलाइन ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है, है। रेडिएंट लाइट और हीट होती है, दैट इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि अर्थ के ऊपर रिसीव होता है, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा, मतलब यही एक बहुत अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एक तो ये डिप्लीट नहीं होगा, रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, एंड दूसरा नॉन पॉल्यूटिंग फैक्टर है इसका, ठीक है। तो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता बिल्कुल भी, इसीलिए भी स्विच होना चाहिए फ्रॉम दैट जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे स्विच होके सोलर एनर्जी पे यूज करना चाहिए सोलर एनर्जी को फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर किसी भी सोर्स के लिए, ठीक है। सो मेनली सोलर एनर्जी का जो सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन, सन मेजर सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। एंड सन जो है वो एनर्जी लाइक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन है मेनली, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम एट द रेट ऑफ 4 मिलियन टन पर सेकेंड। एंड सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिससे मतलब इतनी ज्यादा हीट है, हाई टेम्परेचर है, तो वो हाई टेम्परेचर जो है इतनी ज्यादा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, एंड देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी कलेक्टर। सोलर एनर्जी कलेक्टर है क्या? सोलर एनर्जी कलेक्टर डिवाइस होते हैं सोलर, जो जिससे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। सो सोलर एनर्जी कलेक्टर इज अ डिवाइस विच अब्सॉर्ब्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है उनको अब्सॉर्ब करता है एंड देन इट कन्वर्ट इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो वहां पे फ्लूड, कुछ फ्लूड वगैरह यूज किया जाता है जो कि डायरेक्टली मतलब एनर्जी जो भी सन से एनर्जी आ रही है उसको रिसीव करके देन कन्वर्ट करता है हीट में। सोलर एनर्जी थ्री टाइप्स के, जो सोलर एनर्जी के कलेक्टर्स है लाइक लो, मीडियम एंड हाई टेम्परेचर कलेक्टर्स। लो कलेक्टर्स जो होते हैं स्मॉल इंटेंसिव रिक्वायरमेंट, जिनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होती है, वहां पे लो कलेक्टर्स, जो लो टेम्परेचर कलेक्टर्स है वो यूज कर सकते हैं। जब मीडियम टेम्परेचर कलेक्टर्स ओके है जहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 152-400 डिग्री सेल्सियस तक है, वहां पे वो मीडियम टेम्परेचर कलेक्टर्स को यूज किया जा सकता है। एंड अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस है देन हाई टेम्परेचर कलेक्टर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। और उनमें मिरर, सन लेंजेस वगैरह जो है लगे होते हैं। मेनली टू टाइप के सोलर कलेक्टर्स होते हैं, ओके कंसंट्रेटिंग टाइप एंड नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, दो तरह के सोलर कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कलेक्टर्स कलेक्टर्स जो है मेनली होंगे टू टाइप के, वन इज कंसंट्रेटिंग टाइप एंड अदर इज नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप। ये जो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप होता है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रेज कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इससे हाई नहीं जा सकता टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर सकते हैं, इसमें टेम्परेचर रेज कर सकते हैं, ये जो कंसंट्रेटिंग होते हैं इनमें 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक
ठीक है, इसमें जो कलेक्टर एरिया होता है एंड अब्सॉर्बर एरिया, जो कलेक्टर एरिया एंड अब्सॉर्बर एरिया होता है वो सेम होता है, एंड इसमें कलेक्टर एरिया इज मोर देन अब्सॉर्बर एरिया, अब्सॉर्बर एरिया से ज्यादा होता है कलेक्टर एरिया, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी होती है, गुड एफिशिएंसी, बट कंसंट्रेटिंग की एफिशिएंसी जो है वो बेटर देन नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, ठीक है। ये लो टू मीडियम टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं, कंसंट्रेटिंग जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स, कंसंट्रेटिंग एंड नॉन कंसंट्रेटिंग। नॉन कंसंट्रेटिंग में की एग्जांपल है फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड कंसंट्रेटिंग की टाइप्स है पैराबोलॉइड डिश कंसंट्रेटर एंड पैराबोलिक एंड पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेटिंग में मतलब लाइन फोकसिंग टाइप के होते हैं, लाइन फोकसिंग एंड पॉइंट फोकसिंग, ठीक है। तो जो पैराबोलिक है दिस इज लाइन फोकसिंग एंड जो डिश पैराबोलाइड डिश है दिस इज पॉइंट फोकसिंग, ठीक है। सो मेनली ये जो कलेक्टर की टाइप होती है, डिफरेंट सोलर कलेक्टर्स की टाइप्स होती है। तो फर्स्ट जो नॉन कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी है, लो टू मीडियम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो तब हम नॉन कंसंट्रेटिंग जो है नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स वो यूज किए जाते हैं। इसमें हम सोलर वाटर हीटर जो है वो एक एग्जांपल है नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप की, एंड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं। ओके, और कॉमन जो टाइप्स है नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स की, दिस इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। अब सबसे पहले है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है बच्चे? फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक बॉक्स जैसा रेक्टेंगुलर शेप का होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जिसमें कलेक्ट की जाती है सन की जो रेज है वो अब्सॉर्ब होती है वहां पे, फिर देन कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी। सो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एक केजिंग होती है, रेक्टेंगुलर शेप की। इसमें अब्सॉर्बर प्लेट, अब्सॉर्बर, दिस इज अ अब्सॉर्बर प्लेट। अब्सॉर्बर प्लेट जो होती है ये ब्लैक पेंट की जाती है या डार्क सरफेस, क्योंकि यहाँ पे सन रेज फॉल करेंगी एंड अगर ये डार्क होगा तो फिर टेम्परेचर जो है वो रेज होता है। सो दिस इज अब्सॉर्बर प्लेट और अब्सॉर्बर एरिया।
absorber plate. हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है? देन इसके ऊपर होती है एक, इसके ऊपर होता है ग्लास कवर. दिस इज ग्लास कवर. ग्लास कवर जो है वो जो कि सन, अब ये सन है, सन की रेज पड़ रही है ऊपर, ठीक है, रेज पड़ती है ये अब्सॉर्बर ट्रे के ऊपर, तो टेम्परेचर जो है वो रेज होता है. ये ग्लास कवर है, ग्लास कवर जो यहाँ पे टेम्परेचर रेज हुआ है इसको बाहर नहीं निकलने देगा. एंड नीचे बच्चे यहाँ पे होती है ट्यूब्स. दीज आर द ट्यूब्स जो कि अटैच होती है सरफेस, जो ब्लैक सरफेस है उसके बिल्कुल नीचे अटैच होती है, ठीक है. और ये ट्यूब्स का अगर हम वैसे देखें, ये ऐसे आती है ट्यूब्स, ठीक है. यहाँ से बाहर से ये जो ट्यूब्स है ना, इनका एक कनेक्शन इधर दिया होता है, मतलब ये बाहर से ऐसे कनेक्ट, ऐसे बाहर एक स्टोरेज टैंक जिसमें वाटर, मान लो वाटर, अगर हम फ्लूड वाटर को गर्म करना है तो, ठीक है, वाटर टैंक है जहाँ से अंदर वाटर आएगा इन ट्यूब्स में, ठीक है. ये जो ट्यूब्स है इनमें पानी आता है. ये जो सरफेस है, हीट जब सन रेज पड़ रही है, ये हाई टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, और हाई टेम्परेचर के कारण ये ट्यूब जो है वो इसके बिल्कुल नीचे है, तो वो ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा है. ट्यूब में भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा और वो पानी फ्लो कर रहा है, उस वो हाई टेम्परेचर की वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है. एंड देन ये पानी जो है फ्लो करता है, एंड देन यहाँ पे एक आउटलेट, इस साइड पे आउटलेट, एक साइड पे इनलेट होता है एंड दूसरी साइड पे आउटलेट. तो यहाँ से कूल वाटर जो है वो अंदर आता है, सर्कुलेट करता है, एंड देन बाहर आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाता है हॉट वाटर, ठीक है. सो मेनली क्या है, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स है इनमें टेम्परेचर जो है रेज होता है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है. ये एक नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप है, ठीक है. जैसे मैंने पहले बताया कि कंसंट्रेटिंग टाइप्स होती है कलेक्टर्स की, एंड नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप्स होती है. एंड नॉन कंसंट्रेटिंग का ये एग्जांपल है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है. ये एक केजिंग होती है और यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन की गई होती है, इंसुलेशन, ठीक है, ताँ जो हीट लॉस ना हो, ठीक है. ये ट्यूब्स के, ट्यूब्स भी इंसुलेटेड होती है प्रॉपर तरीके से ताँ जो हीट लॉस ना हो, ठीक है. ओके बच्चे बताओ, समझ में आया? यस मैम. Yes? Yes, ma'am. Okay, good. ठीक है, तो this is an example of flat plate collector. यहाँ पे sunlight आएगी, absorber tray के ऊपर sunlight पड़ेगी, heat जो temperature है वो raise होगा, और temperature raise होने के कारण heat produce होगी, और वो tube में जो water flow करेगा, और water जो है वो उस heat के साथ गर्म होगा, ठीक है. And then उसको दूसरी side से निकाल सकते हैं गर्म water. These are the components जो मैंने वही बनाई है, फिगर सेम है कि ये नीचे थर्मल इंसुलेशन हुई है, ये ट्यूब्स है जो ब्लू ब्लू दिखाया गया है. These are the fluid tubes जिसमें fluid जो है वो ट्रेवल करता है, कुछ भी वाटर हो सकता है, कुछ भी लिक्विड हो सकता है जिसको हमने गर्म करना है, ठीक है. सोलर रेडिएशन जब ब्लैक अब्सॉर्बर प्लेट के ऊपर पड़ती है, टेम्परेचर रेज होता है, एंड ऊपर जो है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स होती है जो कि ग्लास कवर जिसको बोल सकते हो, जो जो हीट लॉस से बचाता है, ठीक है. नेक्स्ट है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर वो वाले डिवाइस होते हैं जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं एंड देन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इनटू हीट एनर्जी और इनटू इलेक्ट्रिसिटी, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड कंसंट्रेटिंग कलेक्टर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर मॉडिफाइड बाई इंट्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्टिंग. यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, ठीक है. फ्लैट प्लेट में कोई रिफ्लेक्टिंग सर्फेस नहीं होता. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो होते हैं, इधर एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है जो कि मिरर हो सकता है, ठीक है. तो वो मिरर्स वगैरह लगे होते हैं जहाँ कुछ भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा जिससे रेज रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली जो रिसीवर एरिया है या फिर जो अब्जॉर्बर एरिया है उसके ऊपर डायरेक्टली वो रेज जाती है, एंड वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, ठीक है. So here receiving area is several times greater than the absorber area. यहाँ पे जो receiving area है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है than absorber area. And efficiency high होती है. Mirrors and lenses are used to concentrate sun rays on the absorber.
तो फ्लैट प्लेट में जैसे कोई मिरर्स वगैरह नहीं लगे, डायरेक्टली बस रॉबर प्लेट के ऊपर सन रेज गिरती है और टेम्परेचर रेज होता है. बट इसमें कंसंट्रेटिंग टाइप में मिरर्स लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं जो कि सन रेज को, जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं डायरेक्टली टू द अब्जॉर्बर एरिया और टू द रिसीवर एरिया. ठीक है, डायरेक्टली वहां से कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड कैन बी रेज्ड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस. 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम रेज कर सकते हैं कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में. टाइप्स है, वन इज पॉइंट फोकस टेक्नोलॉजी एंड अदर इज लाइन फोकस टेक्नोलॉजी. पॉइंट फोकस टेक्नोलॉजी जो होती है पैराबोलॉइड कंसंट्रेटिंग कलेक्टर. कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो है दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज पॉइंट फोकस टेक्नोलॉजी एंड अदर इज लाइन फोकस. लाइन फोकस एंड पॉइंट फोकस. अब जो दिस वन इज लाइन फोकस, जो लाइन फोकस है इसमें क्या होता है, इसकी एग्जांपल है पैराबोलिक ट्रफ, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स एंड पॉइंट फोकस टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है पैराबोलॉइड कंसंट्रेटिंग पैराबोलॉइड. पैराबोलॉइड कंसंट्रेटिंग कलेक्टर. ठीक है, सो अब फर्स्ट है जो पॉइंट फोकस पैराबोलॉइड. पैराबोलॉइड में ये बहुत बड़े टावर्स होते हैं, टावर्स के ऊपर ये ऐसे ये वाली शेप में, ये डिश की शेप में जो पैराबोलॉइड, यहाँ पे ये पूरा होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक मिरर हो सकता है, कुछ लेंसेज वगैरह हो सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को, और इधर रिसीवर एरिया इधर होता है. ठीक है, सो सन रेज जब फॉल करती है इस एरिया में, इस एरिया पे, तो वो रिफ्लेक्ट होके, दिस इज रिसीवर एरिया, तो रिफ्लेक्ट होके वो रिसीवर एरिया के ऊपर जाती है डायरेक्टली, और रिसीवर एरिया में फिर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट को लाइक पाइपिंग वगैरह से नेक्स्ट आगे भेजा जाता है जो कि यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टर्बाइंस वगैरह को रन करने के लिए एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, पैराबोलॉइड डिश जो है कंसिस्ट ऑफ मिरर्स माउंटेड ऑन ट्रस स्ट्रक्चर सच दैट द इंसिडेंट सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड टू कैविटी रिसीवर व्हिच इज स्पेशली डिजाइन टू रिड्यूस कन्विक्टिव एंड रेडिएशन हीट लॉसेस. ठीक है, सो मेनली क्या है, ये एक मतलब टावर के ऊपर, जैसे ये बहुत बड़े टावर्स होते हैं, इनके ऊपर ये डिश लगी होती है, ये मिरर्स होते हैं जो कि सन रेज जब आती है तो इनको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दिस इज द रिसीवर एरिया जहाँ पे जो रिसीव करेगा सनलाइट को, जो डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करेगी एंड देन रिफ्लेक्ट होके इस एरिया में जाएगी. ठीक है, एंड ये जो होते हैं पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर्स, इनमें जीपीएस सिस्टम होता है, तो ये सन रेज जिस साइड, जैसे सन अर्थ मूव कर रही है तो सन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये डायरेक्शन चेंज होने के साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं, एंड जिस साइड पे सन की डायरेक्शन है उसी साइड को ये मूव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ उसकी, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा.
ये सोलर बीम है, बीम लगाया जाता है, देन रिफ्लेक्टर डिश जो है वो असेंबल की जाती है उसके ऊपर, ये ऊपर एक फोकल पॉइंट होता है जहां पे ये पूरे रिसीव करता है सनलाइट को और देन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, सन को ट्रैक करता है, जिस सन की तरफ अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर, जो कि जो लाइन दिस वन इज पॉइंट फोकसिंग एंड द पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर इज लाइन फोकसिंग। सो नेक्स्ट इज पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर और कंसंट्रेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रफ्स ट्रफ्स मेटल के ना ऐसे ट्रफ्स बने होते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे मिरर वगैरह जहाँ कुछ भी लेंसेज लगे होते हैं जो कि सन रेज फॉल करती है इन पे एंड इनको रिफ्लेक्ट करते हैं इधर, ये ऊपर यहाँ पे रिसीवर एरिया होता है, रिसीवर एरिया और अब्जॉर्बर एरिया, इसको पूरा इंसुलेट किया गया होता है एंड ब्लैक पेंट किया होता है इसको, ये जो बीच में ऊपर ऊपर की तरफ होता है ये जो रिसीवर एरिया होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक इसके अंदर ही एक ट्यूब होती है जिसमें फ्लूड रन करता है, कुछ भी फ्लूड हो सकता है, एयर हो सकती है या कुछ फ्लूड लाइक वाटर हो सकता है या जिसको भी हमने हीट करना है। ठीक है, तो वो जो भी है मटेरियल वो इसमें इस ट्यूब में फ्लो करता है एंड टेम्परेचर जो है सन रेज जब इधर पड़ेंगी इसके ऊपर सन रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली रिसीवर एरिया के ऊपर जाएंगी एंड रिसीवर एरिया का टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाएगा एंड देन जो भी फ्लूड इधर फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर भी रेज हो जाता है। ठीक है, सो पैराबोलिक ट्रफ कंसंट्रेटर जो है रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट सनलाइट मेटालिक कलेक्टर पाइप ऊपर मैंने दिखाई है, दैट इज कलेक्टर पाइप, तो उस वहां पे जाके सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड वहां पे टेम्परेचर जो है वो रेज होता है। दिस आर द डायग्राम ऑफ पैराबोलिक ट्रफ। ठीक है, तो जैसे मैंने वहां पे शो किया है कि दिस आर द ट्रफ्स एंड ऊपर जो ब्लू दिस इज पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। यहाँ पे ये जो ट्रफ ये शेप दिख रही है कंकेव टाइप, तो
उसके ऊपर ये मिरर्स लगे होते हैं जहाँ कोई भी रिफ्लेक्टिंग लाइक लेंसेज वगैरह होते हैं जिससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी। स्टील भी यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टील यूज की जा सकती है। ठीक है, ये जो है इसमें स्टील यूज किया गया है पैराबोलिक ट्रस में। स्टील भी एक रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्ट करता है ना। ठीक है, ये जो है रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, और जो ऊपर जो पाइप है दिस इज अब्जॉर्बर, तो रिफ्लेक्ट करके इस अब्जॉर्बर के ऊपर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप मुझे बताओ सोलर कलेक्टर है जो भी हम पढ़ रहे हैं, इनमें मेन पार्ट क्या होता है? अब्जॉर्बर और रिफ्लेक्टर। अब्जॉर्बर, अब्जॉर्बर, ठीक है, क्योंकि वहां पे ही हीट जो है रेज होनी है, हीट होगी, टेम्परेचर रेज होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा। तो लाइट जो है जो इस पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो रहा है, सारा लाइट जो है वो वहां पे आके कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है, इस अब्जॉर्बर, ये जो अब्जॉर्बर है जो पाइप है इसमें पानी डाला जाता है और वो पानी जो है गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफी रेज हो जाना है, 250 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो जाता है टेम्परेचर। हेलो, हाँ जी बच्चों, आ गया समझ में पैराबोलिक एंड पैराबोलॉइड एंड ऑल द कलेक्टर्स जो हमने पढ़े अभी तक? यस मैम। नेक्स्ट है एक और लीनियर फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टिंग कंसंट्रेटर, ये भी कंसंट्रेटिंग की ही टाइप है, लाइन
लाइन फोकसिंग में, ठीक है, लीनियर फ्रेसनल रिफ्लेक्टिंग कंसंट्रेटर. इट इज मेड फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रिप्स ऑफ स्ट्रेट रिफ्लेक्टिंग मटीरियल. ठीक है, जैसे कि वो पैराबोलिक में ट्रफ्स बने होते हैं, इसमें स्ट्रेट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, जिसको कि रिफ्लेक्टिंग मटीरियल की होती है. देन मिरर्स आर अरेंज्ड इन फ्रेशनलाइज मैनर व्हिच रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट सनलाइट थ्रू फोकल लाइन. ठीक है, ये है, ये स्ट्रिप्स है नीचे, सबसे नीचे जो दिखाई गई है वो स्ट्रिप्स है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग कुछ मटेरियल जो है वो ऊपर लगाया जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, लाइक मिरर हो सकता है, कुछ स्टील या कुछ भी और लेंसेज वगैरह हो सकते हैं. एंड ऊपर होता है एक फोकस पॉइंट, तो उसमें ये जो सन रेज जब आती है तो फॉल करेंगी पहले नीचे स्ट्रिप्स के ऊपर, देन रिफ्लेक्ट होके ऊपर जो हमारा फोकस पॉइंट है, जो अब्जॉर्बर ट्यूब है, अब्जॉर्बर ट्यूब में चला जाता है फिर वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होके. ठीक है, एंड वहां से टेम्परेचर रेज होगा. ठीक है, एंड देन उसको यूज कर सकते हैं फॉर मतलब टर्बाइन रन करने के लिए, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो शो कर देती हूँ आपको. ठीक है, ये मिरर्स होते हैं फॉर ट्रैकिंग सनलाइट, एंड ऊपर है अब्जॉर्बर ट्यूब. ठीक है, जहाँ पे जब सन रेज आएंगी नीचे रिफ्लेक्ट होके ऊपर अब्जॉर्बर ट्यूब के तरफ जाएंगी. ठीक है, और जो अब्जॉर्बर ट्यूब है वहाँ पे टेम्परेचर रेज होगा, एंड देन इसको यूज कर सकते हैं हम. ऑटोमेटिक पोजीशनिंग भी हो जाती है, अगर रेन वगैरह है तो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग भी है.